Assalamu alaikum students, uh, our today's topic is what is novel, definition of novel, history of novel and uh, types of novel in terms of structure, novel, novella and novelette. So students, uh, novel is a fictitious tale or narrative, it is longer than a short story having some degree of complexity and development of characters, it is यूजली ऑर्गनाइज एज अ टाइम सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड इस कॉमनली इंटेंडेड टू एक्जिबिट द ऑपरेशन ऑफ फैशंस एंड ऑफटन ऑफ लव यानी कि नावल एक अफसानवी कहानी होती है या एक नरेटिव होते हैं जो कि शॉर्ट स्टोरी से उसकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है इसमें कुछ हद तक कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है जो कि शॉर्ट स्टोरी में नहीं होती और इसमें करैक्टर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और नॉवेल्स का जो सबसे बेसिक एलिमेंट है या सबसे कॉमन एलिमेंट है होता है वो लव हो सकता है ऑपरेशन ऑफ पैशंस भी हो सकते हैं अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ नावल की तो सबसे पहला नावल जो था वो स्पेनिश राइटर जिसका नाम मेगल डी सर्वेंटिस था उसने लिखा था डॉन कॉक्सीटो के नाम से उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो डैनियल डेफोकस सन क्रोसो के नाम से नावल जो है वो सबसे पहला नावल कहलाता है इसी तरह हेनरी को फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है तो एटीन सेंचुरी में नावल में बहुत सारी प्रोग्रेस हुई नावल राइटिंग में बहुत सारे नावल्स लिखे गए और एटीन सेंचुरी को सेंचुरी ऑफ नावल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी फीमेल राइटर्स भी आई लाइक जेन ऑस्टन लाइक मैरी एन एवंस और बहुत सारे मेल राइटर्स ने भी नावलिस्ट ने बहुत सारे नावल्स लिखे थॉमस हार्डी बड़ा फेमस नावलिस्ट था उसके बाद विलियम गोल्डिंग एडवर्ड मॉर्गन फोर्स्टर और बहुत सारे अमेरिकन लोगों ने भी नावल्स लिखे और पाकिस्तानी ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे पपसी सिद्धवा जमाल अबड़ू इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो नावलिस्ट हैं तो जो हमारे सिलेबस में नावल शामिल है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स जेम्स का लिखा हुआ नावल है तो उसके पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि नावल की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर नंबर वन नावल यानी कि ये फुल लेंथ बुक होगी उसके बाद नंबर टू नोवेला इसकी जो लेंथ है इसकी जो वर्ड्स होंगे वो शॉर्ट स्टोरी से कुछ ज़्यादा हो सकती हैं यानी कि आप इसको एक दो या तीन सीटिंग्स में इसको आप पढ़ सकते हैं और नावलेट का मतलब जो है वो छोटा नावल जैसे आप कह सकते हैं कि गुड मिस्टर चिप्स जो है वो एक नावलेट है तो फुल लेंथ बुक को हम नावल कहेंगे उससे कम लेंथ की बुक को हम नाव नोवेला कहेंगे और सबसे जो कम लेंथ होगी उसको नावलेट कहेंगे